इतनी लाखों की चीज है क्या ये? नहीं, ये कैसी कढ़ाई है, बिना हैंडल वाली कढ़ाई? मैंने दुख खबरी सुनी है एक। क्या? क्या आप कुछ फेंक रहे हो? यहाँ पे टेडी बेयर है, यहाँ पे टेडी बेयर है, यहाँ पे भी टेडी बेयर है। मेरी पसंद के बर्तन क्यों फेंक रहे हो? तो जी, मैंने मम्मी से मांगा था कुछ टेस्टी सा अच्छा सा स्नैक दे दो खाने के लिए, एंड मम्मी ले आई खीरा और गाजर। तो अब क्या करें, खाना तो पड़ेगा, एंड हेल्दी वैसे भी 3-4 दिनों से बहुत हो रहा है। तो अभी बैठ के खीरा खाए जा रहे हैं, मन तो सच्ची में चिप्स खाने का, पर बहुत अनहेल्दी खा लिया आज का। थोड़ा बहुत हेल्दी भी खाना पड़ेगा। मुझे वैसे इतना बुरा नहीं लग रहा, खीरा तो अच्छा ही होता। आलू मटर विद 2 रोटीज एंड दिस अमेजिंग स्वीट पोटैटो। मैं आपको क्या बताऊँ, मम्मी जब ऐसे रोस्ट करके देती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यू नो, थोड़ा क्रिस्पी होता है, अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, तो ट्राई करके भी दिखाते हैं। एज ऑलवेज इट इज डिलिशियस। यहाँ पे टेडी बेयर है, यहाँ पे भी टेडी बेयर है। और इस नहीं, तेरा घर है ये? हाँ, है तो तेरा ही घर है ना सुनोई। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड मेरे बाल काफी अच्छे लग रहे हैं ना। आज मैंने एक प्रोडक्ट यूज किया है, पर अभी मैं वो रिवील नहीं करूंगी क्या है। जल्दी मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे मैं अपलोड करूंगी, तो आप लोग जरूर देखना वो क्या है। एंड अभी मैंने दुख खबरी सुनी है एक। क्या? क्या आप कुछ फेंक रहे हो? इससे बड़ी दुख खबरी कुछ हो सकती है? हाँ, फेंक रही हूँ। क्या फेंक रहे हो? फेंक रही हूँ कुछ तो है। क्या? आपकी पसंद के बर्तन। मेरी पसंद के बर्तन क्यों फेंक रहे हो? खराब हुए बेटा, ये तीनों फेंक रहे हैं, जो तेरे तीनों बर्तन तेरी पसंद के हैं। पर इन बर्तनों में मैंने खाना बनाया है मम्मा, अभी वो खराब है ना, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होते, कोटिंग उनकी निकल रही है तीनों की, तीनों इसलिए तीनों ही फेंकने हैं। पर फिर मैं खाना कैसे बनाऊंगी? ओवर एक्टिंग। नए बर्तन आए हैं ना? आए नए बर्तन, होगी ओवर एक्टिंग। हाँ, होगी। बाय बाय बोल दो इनको, फेंकना है, 2 दिन से रखी हुई है, फेंकने नहीं दे रही हूँ इनको। पर क्यों फेंकने हैं बर्तन, मत फेंको। अभी आप नए वाले तो देखो कितने अच्छे हैं। मेरा फेवरेट बर्तन है जला हुआ, जो जिस भी जले हुए कढ़ाई में बना बना के रेसिपी दिखाती हूँ। अभी नए बर्तन, नए कढ़ाई में हम रेसिपी दिखाएंगे। हाँ, दिखा। अच्छा, मतलब ये सारे बर्तन ही है नए? दिखाओ। ओके, तो मतलब अच्छे खासे पैसे खर्च करके आए हो आप। पलटन, पलटन नहीं होता, पलटा होता है। पलटन ये है, ढक्कन, ये कटोरी की लाए हो आप? कटोरी नहीं, कढ़ाई है। ये कैसी कढ़ाई है, बिना हैंडल वाली कढ़ाई? यही कढ़ाई है। जमाने कह रही हूँ मैं, मार्केट में नई कढ़ाई आई है क्या ऐसी? नहीं नहीं है, पुरानी ऐसे होती हैं। मुझे मन था ऐसी कढ़ाई लेने का, मैंने तो नहीं देखी। वो वाली देख ली तेरी पसंद की, देख ली, उठ जाएगी इधर से। वो उठ गई, देखा मैं स्ट्रांग हूँ, डोले छोले है मेरे। जल्दी कर लो, क्लास का भी टाइम हो रहा है, रेडी होना मुझे भी। आप ये बना के खिलाओगे मेरे को इसमें? नहीं, साइड में डब्बा, साइड में क्या है? इसके हैंडल, कढ़ाई के हैंडल से, कढ़ाई के ग्लव हो गया। ये कढ़ाई तो से उठेगी भी नहीं, इतनी हैवी है। उठाई तो मैंने अभी, मतलब और कढ़ाई की कंपैरिजन में। कास्ट आयरन का ना, वारंटी कार्ड भी आया है उसका, लाइफ टाइम वारंटी है। कितनी लाखों की चीज है क्या ये? नहीं, 1400 रुपए की है सिर्फ। अच्छा, भर लो फिर, वारंटी खराब हो जाएगा। वही सोच रही रखा उसको। आप बोलोगे कि मैं फिर से इसको भी फेंक रही हूँ। मत खोलो उसको, लगा के देखते चल। लगा, ग्लव फिट नहीं हो रहे कि फिट हो रहे होंगे, उसी के साइज है। तो ये तो जैसे हम ड्रेस अप करते हैं और एक्सेसरीज लगाते हैं, वैसे हमारे तवे के लिए भी एक्सेसरीज है। तवे के लिए, कढ़ाई के लिए? हाँ सॉरी, कढ़ाई के लिए एक्सेसरीज आई है। इनको ट्राई करके देखते हैं। वाह, इसको यहीं से खोलना है। क्या है इसमें? इसमें देखो,
सारे, एक ही बचा है बड़ा वाला कांच का गिलास और सबको उसी में पीना होता है, तो बारी बारी से सब उसी में पानी पीते हैं क्योंकि और कांच के गिलास है नहीं, बाकी टूट गए। ओ मेरे चेहरे जितना बड़ा कांच का गिलास आया है, अब इसी में सब भर भर के पानी पिएगा अच्छे से। ठीक है, एक तो आप लाए थे वो लस्सी वाला गिलास इतना बड़ा। चलो ठीक है, तो आप मतलब आप फेंक रहे हो पर आपने तीन बर्तन फेंके, आप तीन बर्तन नहीं लाए। लाई हूँ ना, दो कढ़ाई और एक गिलास, तीन बर्तन हो गए। तभी तो मैं पहले ले आई थी ना दो नॉनस्टिक वो कास्ट आयरन के, तो दो पहले ले आई थी ना। कहाँ है? है किचन में, एक डोसा वाला है हाँ। जो इतना बड़ा है और एक जो नॉर्मल वाला जिसपे रोटी बनती है। पर ये वाला तो मेरा फेवरेट है। अब चल ना अभी, इसका ये निकल रहा है इसलिए फेंक रहे होगे। हाँ अभी चल, टाइम हुआ क्लास का, रेडी हो जाओ। चलो क्या हुआ? क्या हुआ? तो स्नोई मैम आई है हमसे बात करनी। मैम आप क्या कहना चाहोगी सबको? मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग मेरे दीदी के चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं है, तो आप लोग जल्दी से मेरी दीदी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन तो जरूर दबाना, और मैं हर रोज आती रहूंगी आपसे मिलने, और ये आपका जर्नल लिखने का भी रिमाइंडर है। सही बात है। सो अभी मैं अपनी क्लास से घर पे आ गई हूँ, मम्मी हमारे लिए डिनर बना रही है एंड आज मैंने फ्रेंकली पढ़ाई करी नहीं, तो करनी पड़ेगी पढ़ाई। पढ़ाई करने बैठते हैं स्नोई, तू देगी ना मेरे साथ? तू ही तो मेरे साथ देगी सिर्फ। स्नोई बस ऐसे बैठी है, क्या करूँ, कैसे जाऊँ, कब छोड़ेगी दीदी, है ना स्नोई? तो अभी पूरे दिन से मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, तो अभी पढ़ने बैठना पड़ेगा। स्नोई क्या पढ़ा जाए बताइए आप? मैथ्स पढ़े या कोई रीडिंग करे? मैं सोच रही हूँ मैथ्स का मेरा थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है अभी, तो मैथ्स कर लेते हैं अभी, फिर टाइम बचा तो थोड़ी बहुत रीडिंग भी कर लेंगे, है ना स्नोई? और मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ कोई ऐसा व्लॉग शेयर करूँ कि हाउ टू स्टडी एफिशिएंटली, या फिर यू नो हाउ टू कवर अ गुड अमाउंट ऑफ कोर्स या सिलेबस एट अ शॉर्ट टाइम, या कुछ ऐसा टाइप का। तो स्नोई मैम को भेज देते हैं अभी। बाय मैम। अच्छा मैम यहीं पे बैठ गई हैं, तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडिंग एंड स्नोई मैम भी है हमारे साथ, तो मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा। मुझे स्नोई के पास आके बैठ जाती है, बुक को देखती है, ऐसे एक्टिंग करती है जैसे वो भी पढ़ाई कर रही है, तो मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाई करने में। सो अभी पढ़ाई कर लेते हैं। सो अभी पढ़ते पढ़ते लेट हो गया, आप लोग खुद देखो 10:31 हो रहा है अभी टाइम, तो सोने का टाइम हो गया, मैं भी थक गई हूँ अभी, तो बस अभी सो जाते हैं। एंड दिस इज इट फॉर टुडेज व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का व्लॉग। एंड आज मैंने मेरे फेवरेट बर्तन फेंक दिए, पर मम्मी ने बर्तन भी लाए पर वो वैसा बर्तन नहीं है। छोड़ो अभी मैं नाटक नहीं करूँगी, अभी सोने का टाइम हो रहा है, नींद आ रही है मुझे, अभी मैं सो जाती हूँ, आपको मिलती हूँ कल के व्लॉग के लिए, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। लव यू ऑल, बाय।